जनता असली बॉस होने वाली है, आप जनता के असली बॉस एक्चुअली आप हो, दे लव यू सो मच। बट ये जो एडिट ट्विस्ट है, अलॉन्ग विद दिस एडिट ट्विस्ट, यू लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस? आई हैव ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू बिग बॉस, फर्स्ट टाइम बिग बॉस ओटीटी, अब देखते हैं क्या होता है। अब जनता भी खेलेगी इसमें, तो जनता को पता चलेगा कि अंदर क्या होता है। अनसेंसर्ड, अनफिल्टर्ड, ये बड़े अच्छे शब्द लगते हैं लोगों को, 24 आवर्स लोगों को बड़े अच्छे शब्द लगते हैं, बिकॉज एक बारी वो चिपक जाते हैं वो छोड़ते ही नहीं जी उस सिनेमा को। बस आई होप कि इतना अनसेंसर्ड और इतना अनफिल्टर्ड ना हो जी, कि होगा तो मैं खुद कंट्रोल कर लूंगा उसको। आई जस्ट थिंक दैट एक हमारे सभ्यता के हिसाब से चले ये ओटीटी, इसलिए मैं इस ओटीटी का पार्ट हूँ। एक्चुअली करण और अफारा अवेलेबल नहीं थे, बहुत बिजी थे, तो इसलिए मुझे ये ओटीटी करना पड़ा। अब एक बार कर लिया, और छोड़ना नहीं भी चाहिए सर, आधी टीआरपी तो आप ही लेके आ जाते हो, बाकी जिसको आप डालते हो। असिस्टेंट डायरेक्टर से स्टार्ट किया, उसके बाद मॉडल बना, उसके बाद फिल्मों में आया, फिर टीवी पर आया, और फिर अब ओटीटी। अब ये पता नहीं ये ग्रोथ है या क्या है, लेकिन हर प्लेटफॉर्म को छू रहा हूं, और ये सब आपकी बदौलत है। यू नो जियो सिनेमा ने सर धमाका कर दिया था ड्यूरिंग द आईपीएल आल्सो, इतने सारे लोगों ने देखा था, दे लव्ड इट, और ये फ्री टू एयर पे जाके आई थिंक हर एक आदमी जो देखना चाहते वो देख सकता है। आई थिंक बिग बॉस भी ऐसा ही है, मतलब मैं किसी को ऐसा नहीं जानता हूं जिसके कुछ ना कुछ टिप्पणी नहीं होती है। व्हाट आर द काइंड ऑफ रिएक्शंस यू गेट जब आप किसी से मिलते हो, जैसे नॉर्मली लोग जब आपसे मिलते होंगे आपकी, चलो फिल्मों की अगर बात करते हैं, आपको बिग बॉस के बहुत सारे सवाल आते हैं आपके दोस्तों से? इतने आते हैं कि परेशान हो जाते हैं, फोन ऑफ रखना पड़ता है, और हर सीजन के पहले बहुत सारे लोगों का फ़ोन कि मुझे बिग बॉस में डाल दो, मुझे बिग बॉस में डाल दो, उनके दोस्तों का फ़ोन, उनके पेरेंट्स का फ़ोन, बहुत सारे, मतलब कि किसी भी फील्ड, इंडस्ट्रियल हो या फिर पॉलिटिशियंस हो, एक्टर्स हो, उन सब के फ़ोन आते रहते हैं कि यार ये प्लेटफॉर्म सबसे बढ़िया, सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, और इस प्लेटफॉर्म के अंदर हमें आना है। और ये डिसीजन मेरा होता नहीं है, ये डिसीजन है शीतल, मनीषा, एंडमॉल, कलर्स का। तो मुझसे बहुत सारे लोग यू नो नाराज़ हो जाते हैं कि सलमान खान एक फ़ोन कर लेगा तो हो जाएगा, सलमान खान इसके अंदर इंटरफेयर नहीं करते। इसलिए नहीं करते क्योंकि ये कलर्स वाले और एंडमॉल वाले बहुत पहले से इन्होंने एक रूल रखा है कि एक रिकमेंडेशन मैंने किया था और उसे नहीं लिया गया, तो फिर मैंने वो रिकमेंड करना छोड़ ही दिया। उसके बाद 4 साल के बाद जिसको रिकमेंड किया था उन्होंने खुद ने उसको बुलाकर उसको कास्ट कर लिया। सो आई थिंक वी नो द फॉर्मूला, इट्स नॉट सलमान सर। हमारी मीडिया बहुत समय से यहाँ पे थी और ये यही जनता के असली बॉस है। मैं एक आध सवाल जरूर पूछवाना चाहूंगा, प्लीज यू गॉट द माइक्स विद यू ऑल, जिसको भी चाहिए बिग बॉस में आना, तो मैं आपको शीतल और मनीषा का नंबर दे देता हूँ, हाँ उनसे फोन करके बात कर लीजिए। सलमान हाय, बेसब्री से इंतजार कर रहे थे हम लोग, और इस बार ओटीटी देखने में मजा आएगा क्योंकि ओटीटी में हम आपको मिस करते थे, और बहुत सारे इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्टेंट आए हैं, पर ऐसा सुनाई पड़ रहा है कि एक बहुत ही पॉपुलर सुपरस्टार, एक बॉलीवुड एक्ट्रेस भी आने वाली है, तो आप उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मुझे पता ही नहीं कौन कौन आ रहा है, अब एक के बाद आज खुलेगा कौन कौन आ रहा है, और आई एम श्योर के जो कास्टिंग इन्होंने की होगी बहुत ही अच्छी कास्टिंग की होगी, और ये खुद मुझे सरप्राइज करेंगे कि ये कैसे लोग हैं जो के आ रहे हैं इस घर के अंदर। हाय सलमान, हीना कुमावत फ्रॉम फिल्म विंडो। आपने कहा कि आपने किसी को रिकमेंड किया था जिसको नहीं लिया, तो क्या आप नाम रिवील कर सकते हैं, और जिनको रिकमेंड किया जाने के बाद आपको शुक्रिया कहा या कहा कि नहीं जाने? नहीं, तो मेरा एक दोस्त था जिसने खुद ने मुझे नहीं बताया कि वो घर में होने वाला है, मैं तो स्टेज पर देखकर उसको शॉक हो गया, वह निकेतन मधोक, और उनका ऐसा था
कि जब से वो घर में आए एंड में निकले उनका बस चलता तो वो इस घर में रुक जाते हैं, अभी तक के इस घर में होते हैं। ओके, स्विच जी। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ये सब गलत बातें हैं, गलत बातें हैं। ये शो मुझे अच्छा लगता है, इस शो से मुझे सीखने को बहुत मिलता है, इसलिए मैं ये करता हूँ, इसलिए मैं करता हूँ ये। और मुझे पता है कि इस शो से बहुत सारे लोगों में फ़ायदा होता है, इसलिए मैं ये शो करता हूँ। आप देख लें जो जो शो से निकला है, जिस भी हालत में आया है या आई है, जब निकली है निकला है तो उनका करियर कुछ 10 folds ऊपर चला गया। हेलो हेलो सलमान सर, दिस इज शिवम फ्रॉम जूम टीवी। सर वी ऑल लव यू फॉर व्हाट यू आर, और यू नो टीवी में हमने देखा है आपको कि यू नो कभी चाहे वो पारस हो उनके ऊपर आपने कभी बहुत सारे गुस्सा किए, और बिग बॉस ओटीटी पे जो कि कोई बैरियर नहीं होने वाला है, तो गुस्से को कैसे कंट्रोल करने वाले हैं आप? बैरियर में हूँ। थैंक यू सर। एक आध आखिरी ले लेते हैं। सलमान हाय, मतलब आपने काफी सालों से, आप मैं ओटीटी पर भी ऐसा कुछ होने नहीं दूंगा जो कि हम सबके खिलाफ, हम सबके जो कल्चर के खिलाफ जाए, नहीं होने दूंगा। सलमान आप काफी साल से मतलब टीवी पे होस्ट कर रहे हैं, अभी आप ओटीटी पे करेंगे, एज एन एंकर आपको मतलब कहाँ कंफर्ट है और क्या कुछ अपने आप में बदलाव लाते जब आप दोनों जगह होस्ट करते हैं? तो ऐसा मुझे कोई डिफरेंस लगता नहीं है, वो जो ओटीटी का आप जिस कंटेंट के बारे में बात कर रही हैं, हाँ वो तो वैसे भी नहीं करता मैं, और मुझे वो पसंद भी नहीं है, और आजकल बहुत कम भी हो गया है, और आई थिंक गाइडलाइंस भी आ गई हैं ओटीटी पर, तो उससे बहुत सुधार आया है ओटीटी पर। ओके सलमान सर, स्नेहिल हियर फ्रॉम एबीपी न्यूज़। मैं जानना चाहूँगी कि जब भी आपकी बात आती है आप कितने ओटीटी फ्रेंडली हैं, या फिर आप कितना कुछ सीखने वाले, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, काफ़ी नए नए फेसेस भी हैं जो शायद हमने अब तक शायद सोशल मीडिया पे जिनको ज़्यादा एक्सप्लोर किया है, तो आप कितना इनसे कनेक्ट कर पाते हैं, आपके लिए कैसा है ये? देखिए ओटीटी पर मैं पहले आ चुका हूँ, एक फिल्म थी राधे करके, हमने वो फिल्म ओटीटी पर रिलीज़ की इंस्टेड ऑफ थिएटर्स, क्योंकि उस वक्त पैंडमिक हाल ही में गुजरा था, किसी के पास पैसे वगैरह थे नहीं, तो मैंने डिसीजन ले लिया था कि इसको हम ओटीटी पे डालेंगे ताकि बहुत ही कम पैसों के अंदर लोग जाके घर पे बैठ के पूरे परिवार के साथ फिल्म देखें।